तो अगर आपने रिसेंटली रिलीज मूवी द पोसेसर 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 तो अगर आपने रिसेंटली रिलीज मूवी देखी होगी पोसेसर, तो आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, बट दैट्स ओके बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन। और अगर बाई चांस मूवी नहीं देखी तो बिरो कहाँ जा रहे हो, अब पूरी स्टोरी देख के जाओ। ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस साईफाई की कैटेगरी में आती है और मूवी काफी दिमाग खराब करने वाली है और 18+ है। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि कुछ फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आपके पास उसको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वॉक थ्रो एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी स्टार्ट होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसका नेम होता है टेसिया वॉस। ये वर्क करती है पोसेसर का। अब इसकी जॉब को एक्सप्लेन करूं तो ये एक असैसिन होती है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, मतलब ऑब्वियसली ये लोगों का मर्डर करती है बट एक अलग तरीके से। एक्चुअली ये जिस कंपनी के लिए वर्क करती है उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज करके कोई इंसान दूसरे इंसान के माइंड में घुस सकता है और उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। और इसी का यूज करके टेसिया लोगों का मर्डर करती है। ये कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं होती मूवी में, बस किसी की बॉडी को पजेस करने के लिए इनको उस बंदे का बाल या ब्लड चाहिए होता है और ये टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके माइंड में घुस जाते हैं। होता यह है कि माइंड में दो लोग आ जाते हैं, एक जिस बंदे का माइंड है और सेकंड जो उस माइंड को पजेस कर रहा है, और पजेस करने वाला बंदा माइंड को टेक ओवर कर लेता है और फिर पूरी बॉडी टेक ओवर करने वाले बंदे के कंट्रोल में आ जाती है। और टेसिया की बॉस ग्रीडर होती है और यही टेसिया को टारगेट देती है कि तुमको जाके इस बंदे को मारना है। और कंपनी वाले टारगेट के ही किसी खास बंदे को किडनैप करके उसके माइंड का कंट्रोल टेसिया को दे देते हैं। तो एक तरीके से टेसिया वही शख्स बन जाती है, बस उसकी बॉडी चेंज हो जाती है और फिर ये आराम से जाके अपने टारगेट को मार देती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इसीलिए मूवी का नाम पोसेसर रखा गया है क्योंकि किसी की बॉडी को कंट्रोल करने को ही पोसेशन बोलते हैं। अब मूवी में आते हैं तो स्टार्ट में ऐसे ही किसी लड़की को दिखाते हैं जो कि यही टेसिया कंट्रोल कर रही होती है, उसका माइंड। और यहाँ हमें दिखाते हैं कि टेसिया को इस जॉब में एक प्रॉब्लम आती है जब टेसिया का टारगेट मर जाता है। उसके बाद टेसिया को अपने आप को गोली मारनी होती है, तभी इनका पूरा मिशन खत्म होगा। बट टेसिया अपने आप को मार ही नहीं पाती, ये गन का ट्रिगर दबा नहीं पा रही होती। बट फिर पुलिस वाले आके इसको मार देते हैं और फिर ये वापस अपने रियल बॉडी में आ जाती है। और फिर ये अपनी फैमिली से मिलने जाती है। इसका एक हस्बैंड होता है और एक बेटा होता है और ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। और इसका हस्बैंड इसके काम के बारे में कुछ नहीं जानता कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। और फिर टेसिया की बॉस गीडर एक नया असाइनमेंट देती है टेसिया को, इसको अब कॉलिन टेट की बॉडी को पजेस करना होगा। ये एक लड़की एवा पार्से का बॉयफ्रेंड होता है और एवा पार्से जिसकी बेटी होती है वो होता है जॉन पार्से। ये US की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी, डेटा माइनिंग कंपनी का ओनर होता है और यही जॉन पार्से ही मेन टारगेट होता है टेसिया का। कॉलिन बनके इसको इन दोनों बाप बेटी को मारना होता है। ऐसा करने से टेसिया की बॉस की कंपनी को कुछ फायदा होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मिशन होता है। और टेसिया इस काम के लिए रेडी हो जाती है और कॉलिन को ये लोग किडनैप करते हैं और उसके हेड में कुछ खुरापाती करते हैं। और इस साइड टेसिया को रेडी किया जाता है कॉलिन के माइंड में ट्रांसफर करने के लिए और फिर वो सक्सेसफुली कॉलिन की बॉडी में घुस जाती है, उसकी बॉडी को पूरी तरह पजस कर लेती है। और अब कॉलिन की बॉडी में टेसिया होती है, इसको टेसिया ही बोलूंगा मैं। और फिर ये कॉलिन की बॉडी को और इसकी लाइफ को एक्सप्लोर करने लगती है। इसकी गर्लफ्रेंड भी यही होती है, बट टेसिया को इस टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, लाइक ये हेलुसिनेट कर रही होती है जो चीज़ें वहाँ होती भी नहीं बट इसको दिख रही होती है। और जब ये कॉलिन की जॉब पे होती है तब भी इसको काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके हेड में बहुत पेन होता है। हल्की सी झलक में दिखाते हैं कि रियल कॉलिन और टेसिया एक साथ आमने सामने होते हैं, बट फिर टेसिया वापस होश में आती है, कॉलिन की बॉडी में फिर से कंट्रोल पा लेती है और फिर ये कॉलिन की गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करती है। और देन नेक्स्ट डे एक पार्टी में अपने टारगेट से मिलती है, जॉन पार्से, और पार्टी के बाद मौका देख के ये जॉन को मारने लगती है, बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। हालांकि वो मरता नहीं है, मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि वो बच जाता है और उसकी बेटी भी यहाँ आ जाती है और टेसिया उसको भी शूट करके मार देती है। और अब दोनों टारगेट खत्म हो गए थे, बट अगेन प्रॉब्लम यही आती है कि मिशन को पूरा खत्म करने के लिए टेसिया को खुद को शूट करना होता है, तभी अपनी रियल बॉडी में वापस जा पाएगी। बट ये ऐसा नहीं कर पाती, अपना भेजा नहीं उड़ा पाती और बोलने लगती है पुल मी आउट अपनी बॉस से। बट जब तक ये अपने आप को यानी कॉलिन की बॉडी को मारेगी नहीं तब तक अपनी रियल बॉडी में वापस नहीं आ पाएगी। और एक तरीके से ये फंस जाती है कॉलिन की बॉडी में, इसके हेड में भी बहुत पेन हो रहा होता है, दुनिया घूम रही होती है इसके लिए। और अब ये जानती थी हर न्यूज वगैरह में पता चल जाएगा कि पार्सेस का मर्डर हो गया है। सो फिर ये कॉलिन की गर्लफ्रेंड जिसको इसने मार दिया उसकी एक फ्रेंड के यहाँ जाती है ताकि वहाँ छुप सके, और वहाँ जाके ये एवा की फ्रेंड को भी मार डालती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, वो टेसिया को बेहोश करके उसके हेड में कुछ करने लगता है। और होश में आने के बाद टेसिया पैनिक हो जाती है, बट उस आदमी का कहना था कि उसको गीडर टेसिया की बॉस ने भेजा है क्योंकि टेसिया पूरी तरह से कॉलिन के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो टेसिया यानी कॉलिन के हेड को सही करने आया है। और फिर टेसिया को दिखाते हैं कि वो माइंड के किसी पार्ट में है और पीछे से कॉलिन आके टेसिया को मार देता है। ये फाइट कॉलिन के माइंड में हो रही होती है
और इसके बाद कॉलिन मतलब रियल कॉलिन अपने बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेता है क्योंकि इसने टैसिया को मार दिया था अपने माइंड के अंदर और उसके चेहरे का मास्क पहन लिया था। तो कॉलिन को टैसिया की सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं और जब ये रियल कॉलिन वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल में आता है तो इसके सामने वही बंदा मरा होता है जो टैसिया को सही करने आया था। तो कॉलिन काफी पैनिक हो जाता है और फिर ये सीधे टैसिया के घर के बाहर जाता है क्योंकि इसके पास अब टैसिया की भी मेमोरी थी और ये रात में टैसिया के घर में घुस जाता है क्योंकि इसको जवाब चाहिए होता है कि आखिर क्या हो रहा है इसके साथ। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ये टैसिया के हस्बैंड पे गन तान देता है और उससे पूछने लगता है कि टैसिया कहाँ है, उसको बुलाओ और मुझे बताओ कि क्या चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि इसके अंदर टैसिया की भी मेमोरीज होती हैं और इसकी भी होती है। तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में होता है ये और हम व्यूवर्स को दिखाते हैं कि कॉलिन के माइंड में अगेन टैसिया आती है और टैसिया और कॉलिन अगेन बात करने लगते हैं बॉडी को कंट्रोल करने के ऊपर कि कौन बॉडी को कंट्रोल करेगा। रियल कॉलिन माइंड में टैसिया से बोलता है कि वो तुम्हारे हस्बैंड को मार देगा वरना मुझे सब बताओ कि क्या चल रहा है और टैसिया भी उसकी गन पकड़ के उससे बोलती है कि मार दो, मैं भी ये बहुत टाइम से करना चाहती थी, मतलब इसका अगर हस्बैंड मर गया तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट टैसिया का हस्बैंड कॉलिन को धक्का दे देता है लेकिन फिर कॉलिन इसके हस्बैंड को एक चाकू से मार डालता है और यहाँ कंफ्यूजन आती है कि आखिर किसने टैसिया के हस्बैंड को मारा, रियल कॉलिन ने कि खुद टैसिया ने। तो इसका जवाब है टैसिया। जी हाँ, टैसिया ने ही अपने हस्बैंड को मारा। इसने लास्ट मोमेंट पे कॉलिन की बॉडी का पूरा कंट्रोल फिर से अपने हाथ में ले लिया और अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मार दिया। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सो मूवी के स्टार्ट से हमें दिखाया गया था कि टैसिया जब भी किसी की बॉडी को कंट्रोल करती है देन वो काफी वायलेंट होके अपने टारगेट का मर्डर करती है, जबकि इसको एक गन प्रोवाइड करी जाती है कंपनी वालों की तरफ से और टारगेट एक गोली में मर सकता है, बट ये एक चाकू या किसी और चीज से अपने टारगेट को बेरहमी से मारती है क्योंकि उसको ऐसा पसंद है और उसको खून भी देखना पसंद है। और लास्ट में सेम तरीके से एक चाकू से बार बार स्टैब करके इसने अपने हस्बैंड को भी मार दिया। सो ऑब्वियसली ये टैसिया ही है। और स्टार्ट में भी दिखाया गया था जब टैसिया अपनी फैमिली से मिलने आई थी तो एक गेट के बाहर खड़े होके हेलो डार्लिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, मतलब इसको अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ प्यार करने की एक्टिंग कर रही होती है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती अपनी फैमिली के लिए क्योंकि ये अपने काम में इतना डूब गई थी असैसिनेशन वाले काम में और ये बहुत टाइम से इस कंपनी के लिए काम कर रही होती है, इसीलिए इसको सिर्फ ब्लड और लोगों को मारना पसंद होता है, यही पहचान होती है पक्के कॉन्ट्रैक्ट किलर की। और मूवी में वापस आए तो अगेन टैसिया अपने आप को मारने का ट्राई करती है कॉलिन के बॉडी से बाहर निकलने के लिए बट नहीं कर पाती, लेकिन तभी इसके गले में कोई स्टैब कर देता है और टैसिया उसको गोली मार देती है और वो उसका बेटा ही होता है, वही इसको स्टैब कर देता है और टैसिया उसको बहुत गोलियां मारती है और फिर ये दोनों वहां मर जाते हैं। बट फिर टैसिया का बेटा बोलता है पुल मी आउट, ये वही डायलॉग है जो टैसिया पहले बोल रही थी। और हमें दिखाते हैं कि टैसिया वापस अपनी मशीन से सही सलामत उठती है बट इसके बगल में जस्ट बगल वाली मशीन से इसकी बॉस गीडर उठती है, मतलब टैसिया के बेटे को गीडर ने प्रोसेस किया था ताकि वो कॉलिन की बॉडी को मार दे और टैसिया को बचा सके। और मूवी के लास्ट में गीडर टैसिया का टेस्ट लेती है जो कि वो मूवी के स्टार्ट में भी ले रही थी, जिसमें वो टैसिया की कुछ चीज़ें दिखाती हैं और टैसिया से उन चीज़ों से जुड़ी यादों के बारे में पूछती है। और मूवी के स्टार्ट में टैसिया एक बटरफ्लाई को देख के बोलती है कि उसने इस बटरफ्लाई को मार के इस चीज़ में बंद कर दिया था और इसके लिए उसको बुरा लगता है। और मूवी के लास्ट में टैसिया उस बटरफ्लाई को देख के सेम चीज बोलती है कि इसने उसको मार के इस डब्बे में बंद कर दिया था, बट अब ये वो बात नहीं बोलती कि इसको अभी भी इस चीज़ का बुरा लगता है, मतलब अब इसके अंदर की पूरी गिल्टनेस खत्म हो चुकी है, ये पूरी तरह से पत्थर दिल बन गई है और पक्की सीरियल किलर बन गई है। और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। और मूवी के एक मिनट में समरी बताऊं तो द पसेसर मूवी एक लेडी टैसिया की कहानी है जिसमें वो दो लाइफ जी रही होती है, एक अपनी पर्सनल लाइफ अपनी फैमिली के साथ वाली और एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है। और वे मूवी में कंफ्यूज होती है कि इसको कौन सी लाइफ पसंद है, बट लास्ट में क्लियर हो जाता है कि टैसिया एक पक्की सीरियल किलर है, ये बस फेक एक्टिंग करती थी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए और उसको उस टाइम पता भी नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बट इसकी फैमिली की डेथ के बाद ये आजाद हो गई और अब ये अपनी पसंदीदा चीज कर सकती है जो कि ऑब्वियसली वही है, लोगों को मारना बिना किसी गिल्ट के। और मुझे मूवी पर्सनली ठीक लगी, दिमाग खराब करने वाली मूवी अच्छी लगती है। और मूवी एक और चीज़ दिखाती है कि टेक्नोलॉजी का आगे चल के बहुत गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।